मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. मतलब फर्मेंटेशन ये ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको एनर्जी मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से, बट जिसके लिए ऑक्सीजन मतलब ये ज़रूरी नहीं होता. जैसे कि अगर एथेनॉल है, एथेनॉल में मतलब वाइन, वो भी फर्मेंट हो जाती है क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उससे एनर्जी मिलती है, पर उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं. वैसे भी हाइड्रोजन मतलब जो फैट्स होते हैं उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे एनर्जी जनरेट होती है, उसके लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है. लैक्टिक एसिड जैसे कि चीज़ है, उसके लिए भी उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी जनरेट कर देते हैं बिना ऑक्सीजन के. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्रेड है जो जनरेट करता है उसके कार्बोहाइड्रेट से, उसको भी ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत है, उसको मतलब उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. तो ये सब ग्लूकोज जनरेट करते हैं, जैसे कि एथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी है, ये सब जनरेट करते हैं, जिसको ही हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, C6H12O6, जिसका ये केमिकल इक्वेशन है ग्लूकोज के लिए. एथेनॉल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड को 2CO2. इसको ही ये केमिकल इक्वेशन है और ऊपर का वर्ड इक्वेशन है, तो इसको ही फर्मेंटेशन कहते हैं. आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा.